और ये है पपीता, नाशपाती जैसे, ये 500 रुपीस जो है, 400 रुपए किलो भाई। ये आम है, ये जम्बावी का, ये सारे बाहर से इम्पोर्ट हुए हुए जो है, इम्पोर्ट। ये हमलोग फ्रूट है, हमलोग, और ये स्टार फ्रूट है, ये पाइनएप्पल पड़ा हुआ है साथ में, ये स्ट्रॉबेरी है, आपको ये 2200 रुपए का डब्बा है, 2200 रुपए का डब्बा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है भादराबाद। भादराबाद में हम सब्जी मंडी नहीं, मिनी सब्जी मंडी पे जो है आए हुए हैं, अलग क्वालिटी के जो है फल और फ्रूट सब्जियां रेट पे, मुनासिब रेट पे जो है दस्तियाब हैं। और शादी ब्याह के जो है दीगर तकरीबात के लिए टोकरे भी ऑर्डर पे दिए जाते हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा, और ड्राई फ्रूट और खालिस शहद भी अवेलेबल है। तो भाई मिनी मंडी में जो है आप लोग आएँ, और यहाँ पे बहुत ही मुनासिब रेट पे जो है मार्केट रेट से जो है कम 50-100 रुपये जो है आप फ्रूट यहाँ से ले जाएँ, और ऑनलाइन भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जहाँ चाहें होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इनके ऑनर से पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है, इनका क्या रेट है, किस तरीके से ये सेल कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आ जाएं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। नाम क्या है खान साहब? मैं पकड़ो, नाम मेरा गुलाब खान है सर। गुलाब खान, हाँ। नाम तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है आपका, गुलाब खान यानी के। अच्छा खान साहब, ये आपने जो है फ्रूट मंडी पूरी जो है यहाँ पे जो है सब्ज़ी मंडी की उठा के यहाँ पे मंडी आपने लगा दी है, मिनी मंडी, तो मतलब फ्रूट तो मुझे फ्रेश नज़र आ रहे हैं काफ़ी आपके, मगर असल जो है इसके प्राइस वगैरह रेट वगैरह क्या है, क्या मुनासिब है मार्केट रेट से? हाँ सर जी, ये तो माशाल्लाह प्राइस भी मुनासिब लगाया हुआ है डिस्काउंट के साथ, और ग्राहक अगर आ जाए ना तो और भी डिस्काउंट हम दे देते। अच्छा। ऐसा जैसे कि माल ज़्यादा खरीदी या कम खरीदी उसको डिस्काउंट और भी दे देते। अच्छा। और प्राइस लगाया भी कम डिस्काउंट के साथ लगाया हुआ। अच्छा, हाँ बहुत कम रेट लगाया माशाल्लाह। कितना डिस्काउंट होगा इसमें? ये पपीता है ना, ये बार 300 रुपये रेट चल रहा है। सही है, हमने 40 रुपये डिस्काउंट पे लगाया, 260 रुपये किलो। क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है आपकी मुझे जो है, क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी मुनासिब है। रेट तो अभी हम आपसे पूछते हैं सब चीज़ों पे, देखते हैं कि क्या रेट हैं आपके, ताकि लोग खुद जो है ना इसका जो है ना वो डिफरेंस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या है और आपके पास क्या है, और आपके जो है मिनी मंडी जो है ये भादराबाद पे जो है मौजूद है इनकी शॉप, और देखते हैं इनके रेट क्या हैं। इनके फ्रूट्स के फ्रेश तो बहुत हैं, मगर रेट भी जो है हम ज़रा चेक करते हैं इनके, और इनसे पूछते हैं इनके रेट में जो है कितनी कमी बेची है मार्केट रेट से जो है, ताकि फिर उसी वक्त मिनी मंडी का जो है सही आइडिया होगा आपको कि रेट इनके मुनासिब हैं या नॉर्मली मार्केट रेट के बराबर हैं। ठीक है सर, गुलाब साहब कुछ हमें ज़रा रेट आप जो है इधर से जो है शुरू करें, और हमें इसमें बताएं कि कितने रेट मार्केट रेट बताएं, और इधर के आपके मिनी मंडी के जो है रेट हैं वो भी आप हमें बताइए। सर असल में बात यह है कि इसे सब में कार्ड लगे हुए, इसके अपना अपना रेट लगे हुए। अच्छा। हाँ जैसा कि ये नज़र आ रहा है ना कार्ड। जी जी, ये कार्ड मुझे नाशपाती कहते हैं ना इसको, ये नाशपाती, और ये है पपीता। अच्छा ये है पपीता आपके पास जो है 260 रुपए का, तो मार्केट रेट क्या होंगे इसके? मार्केट रेट इसका है 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो है, हमने 40 रुपए डिस्काउंट पे लगाया, 260 रुपए किलो। अच्छा, और ये नाशपाती चीज में हमने डिस्काउंट, हर चीज में यानी कि कितना है? 40-50 रुपए का है डिफरेंट? हाँ 50 रुपए 100 रुपए ऐसे डिस्काउंट पे लगाया, 50 रुपए 100 रुपए डिस्काउंट पे लगाया है। नाशपाती जैसे 500 रुपीस जो है पर केजी है, ठीक है। और ये गोल्डन सेब है? ये गोल्डन सेब है, काला खुल के लाते हैं इसको। अच्छा, तो ये ग्राहक मुतमईन भी है इससे, क्योंकि इस पे सब पे रेट लगे हुए। अच्छा, जब ग्राहक आते हैं तो ये खुशी खुशी से जो है ना सौदा खरीद लेते हैं। अच्छा, ये 350 रुपये लगे हुए हैं जो हैं अभी रेट आपके इस पे, तो ये फिक्स हैं या इसमें भी लोग होते हैं जैसे कि इसमें कमी पेशियाँ करवाते हैं लोग? कमी पेशी करवाते हैं, वो उसमें भी हम डिस्काउंट दे देते हैं माशाल्लाह। हाँ मतलब आपने ऑलरेडी लगाई भी है इसमें कमी, मगर इसके बाद भी जो है आप जो है कमी कर लेते हैं इसमें? कमी कर लेते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। हाँ पूरा। अच्छा, तो ये कहाँ का ये जो है आड़ू आपने लगाया इतना बड़ा माशाल्लाह? आड़ू है। अच्छा हाँ, सवाद का तो बहुत ही मशहूर और जबरदस्त किस्म का आड़ू है। आड़ू है, जबरदस्त आड़ू है, रेट भी कम लगाए हुए जैसे कि ये। तो ये क्या आप सवाद वगैरह से ही आते हैं, डायरेक्ट आपके पास ट्रक आते हैं, या फिर आप है ना खरीदते हो यहाँ से परचेज करते हो? ये कुछ तो हमारे पास डायरेक्ट भी आते है, हाँ कुछ जब लेट हो जाते हम मंडी से भी खरीद लेते। अच्छा हाँ, तो ये मंडी से भी आ जाते, स्वाद से डायरेक्ट भी आ जाते, हम मंडी में भी दे देते हैं सब।
अभी आम चल रहे हैं क्या? अभी तो माशाल्लाह हम ये पंजाब का आ रहे हैं, रीठा चौंसा कहलाते हैं। ये चौंसा है? ये चौंसा आम है। तो ये क्या किलो चल रहा है यहाँ पर? किलो 400 रुपए का है सर। 400 रुपए किलो चल रहा है, मतलब ये एंड है अभी, है ना? ये तकरीबन 100-150 रुपए डिस्काउंट पे हमने लगा। 400 रुपए किलो भाई ये आम है यहाँ पे जो है, मिनी मंडी पे जो है भादराबाद पे। और 500 रुपए किलो आड़ू, 350 रुपए किलो जो है सेब हैं। और इसमें भी जो है ये गुलाब साहब जो हैं बोल रहे हैं कि ये कमी बेशी हो जाएगी भाई, फ्रूट्स में जो है कमी बेशी ये कर लेंगे। अच्छा जी, ये है भाई, ये स्पेशल फ्रूट जो होते हैं वो ये है कीवी, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी, ये मंडी में भी जो है आपको महंगी ही मिलेगी, बहुत स्पेशल फ्रूट है ये। बाहर वाला आइटम भी है, ये आपको जो है यहाँ पे 800 रुपए किलो मिल रही है। मंडी में भी 19-20 का फ़र्क होगा आपको, ये 800 रुपए किलो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट है। और इसको ये एवोकाडो है। एवोकाडो, हाँ। ये क्या हिसाब किताब होता है? ये दो एवोकाडो कितने के? ये एवोकाडो हमारे पास किलो मिलते 2200 रुपए का। 2200 रुपए का किलो। और ड्रैगन फ्रूट है हमारे पास 1600 रुपए का। 1600 रुपए, हाँ। ये कहाँ का है ड्रैगन? चाइना? ये आते थाईलैंड का। थाईलैंड से ना? हाँ, थाईलैंड। और ये ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी, हाँ। ये कहाँ की है? ये जिम्बाब्वे का। ये सारे बाहर से इंपोर्ट हुए हुए जो है? इंपोर्ट हुआ। ये क्या हिसाब मिलता है? ये 1100 का डब्बा है। 1100 का डब्बा, 1100 का डब्बा। महंगा चलता है यानी कि बाहर से आए? बस ये बाहर का। और ये क्या है? ये अमला फ्रूट है। हम लोग अमला फ्रूट। अच्छा, हाँ। और ये स्टार फ्रूट है। और ये कहाँ का है? ये तो अपना आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, और ये क्या हिसाब है? ये पाइनएप्पल पड़ा हुआ है साथ में। ये क्या हिसाब है? ये हम लोग, ये 200 का डब्बा है। 200 का डब्बा, हाँ। ये भी 200 का डब्बा है स्टार फ्रूट। अच्छा, स्टार फ्रूट का ये भी 200 का है। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी आई हुई है बाहर का। ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है, आपको ये 2200 रुपए का डब्बा है। 2200 रुपए का डब्बा, हाँ। कितनी है इसमें क्वांटिटी? क्वांटिटी इसमें होते 400 ग्राम तक होती है। 400 ग्राम तक होती है भाई। एवोकाडो है। एवोकाडो, हाँ, ये भी है। और ये नाशपाती है। ये नाशपाती, ये कहाँ की नाशपाती है? नाशपाती ये गिलगित वाली है। अच्छा, गिलगित वाली, हाँ, छोटी नस्ल की। अच्छा, ये दिखाने का मकसद है भाई, जो लोग शौकीन होते हैं ना वो कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये इनके पास मिनी मंडी जो कि आपके भादराबाद की लोकेशन है यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, ये पूरा साल आ जाते हैं। पूरे साल कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं वो, वैसे तो मिल जाते हैं। अच्छा, ये खजूर है। इसके अलावा ये खजूर, ये बाहर का खजूर है, सऊदी अरब का सुकरी खजूर है, अजवा खजूर है। ये क्या हिसाब के मिलता है? और मबरूम खजूर मिलते हैं। जाहिदी रेट भी लिखे हैं आपने? इसके रेट भी लिखे हुए, इसका वेट भी लिखे हुए साथ में। अच्छा, हाँ। तो रेट तो इसलिए हमने लगाया कि ग्राहक मुतमईन हो ना। हाँ, ये सारे खजूर जो है आपके सऊदी अरब के जो है वो भी अवेलेबल है। अजवा है क्या? अजवा खजूर भी मिलता है। क्या किलो है अजवा? तकरीबन ये 300 ग्राम का डब्बा है। हाँ, और 1150 रुपए। 1150 1150 सही है। और कौन सा फ्रूट है? ये आपने कटिंग करके भी रखे हुए हैं क्या? कटिंग करके भी रखते हैं, ग्राहक मांगते हैं ना। हाँ, ऑफिस वाला आ जाते हैं या ऐसा लोग आ जाते हैं ज़्यादातर, वो लेकर जाते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ज़बरदस्त आइटम आपने जो है रखे हुए फ्रूट्स के। तैयार फ्रिज में ये कटा हुआ नारियल भी रखे हुए, ये भी आके पी लेते हैं लोग। अच्छा, इसका पानी, नारियल पानी? हाँ, नारियल पानी भी रखे हुए हैं। नारियल साबुत, नारियल कटा हुआ मुंह बना के रखे हुए। खरबूजा तो अभी आ रहा है मंडी में। अच्छा, अभी आ रहा है खरबूजा? हाँ, मंडी में आ रहा है, खूब आ रहा है अभी। अच्छा, हाँ। और ये अंगूर? अंगूर भी आ रहे हैं ये माशाल्लाह। अंगूर भी बहुत जबरदस्त। अंगूर किलो 400 का है, सुंदरखानी अंगूर है, बड़े वाले। अच्छा, जबरदस्त अंगूर। और ये काले वाला अंगूर? काले वाला अंगूर है, ये 150 रुपए पाव है। 150 रुपए पाव। बड़ा अंगूर है माशाल्लाह, ऐसा अंगूर है, साफ सुथरा अंगूर। सुथरा अंगूर है ये, देखें। ओए होए, वीआईपी किस्म का अंगूर है माशाल्लाह से जी। ग्रेपफ्रूट है। ग्रेपफ्रूट, हाँ, ग्रेपफ्रूट फल है ये, बहुत जबरदस्त फल होता है। इसका क्या होता है हिसाब? ये हिसाब है 60 रुपए का दाना। अच्छा, दाने का हिसाब किताब है? दर्जन वगैरह सब पे ये रेट लगे हुए हैं। और लगे हुए हैं ये रेट, ये देखें जी, 60 रुपए का। अच्छा, अगर कोई मांगे 50 रुपए का तो वो भी दे देंगे आपके? हाँ, 50 का भी दे देते हैं हम। आते होंगे ऐसे लोग के भाई कम करें यार, महंगाई है बहुत ज्यादा, फिर हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं माशाल्लाह, बहुत डिस्काउंट। अच्छी बात है ना। हाँ, और ये देखें जी, सेब भी लगे हुए हैं यहाँ पर, 350 रुपए किलो सेब हैं। और ये क्या चीज़ है? ये भी एक, ये कहाँ का सेब है? ये कुल्लू सेब है, क्वाटे वाला। कहाँ का ये? कुल्लू सेब जूस के लिए होता है। अच्छा, जूस के लिए। हाँ, जूस के लिए। ये कौन सा है? ये
अपना काला कुल्लू सेब है तोबे वाला। अच्छा किलो 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो है। सबसे अच्छा सेब यही होता है काला कुल्लू। कंदारी अनार जो बहुत ही जबरदस्त किस्म का अनार होता है ये कंदारी अनार। ये क्या किलो मिल रहा है? किलो ये 500 के सर जी, 500। हाँ अच्छा आपने ये, अच्छा सही है, ये 500 रुपए किलो है। 500 रुपए किलो सही है, अच्छा क्वालिटी का। हाँ। थोड़ा हल्का क्वालिटी का, वो छोटा साइज। हाँ। साइज छोटा हो ना। हाँ। वो 400 रुपए किलो है। ठीक है, साइज का फर्क होता है। हाँ, साइज का फर्क आता है तो फिर वो 400 रुपए तक जो है आपको मिल जाता है। ये और गिलगित का नाशपाती आता है। अच्छा ये गिलगित का है? हाँ, ये गिलगित का नाशपाती आता है। माशाल्लाह VIP नाशपाती है। किलो 500 का है लेकिन दायकादार नाशपाती है। अच्छा VIP ये 500 रुपए। हाँ सही है। और ये मीठे, अच्छा जी ये मीठे जो है। हाँ ये मीठे, मीठे क्या की दर्जन है? मीठा ये 300 का दर्जन है। अच्छा ये 300 का दर्जन है। 300 का दर्जन है ये, 300 रुपए दर्जन है। हाँ इसका बड़ा साइज होता है वो 350 का दे देते हैं, ये साइज 300 रुपए का है। अच्छा हाँ, इससे छोटा साइज का है वो 250 रुपए का है। ये शादी ब्याह और तकरीबात के लिए ये टोकरी भी बना है। फ्रूट की टोकरी जो होती है वो जो है लेके जाने के लिए, वो भी इसी टोकरी है। इसके अलावा वो दूसरा टोकरा है वो भी मिल जाता है। अच्छा वो भी बना के देते हैं आप? वो भी बना के दे देते हैं, फिक्स करके दे देते हैं। अच्छा हाँ, पनी शनी सब चढ़ा के दे देते हैं, सारा फ्रूट रख के जो है ना। ये शादियों के लिए बनते हैं या वैसे तकरीबातों के लिए बनते हैं ना, तो ये टोकरी फिर बना के दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, सजा के और फूल शूल लगा के दे देते हैं। कितने की बन जाती है एक टोकरी? ये टोकरी तो फ्रूट के हिसाब से बनते हैं। अच्छा, जितने आप फ्रूट डलवाना चाहें वो आपके ऊपर है? वो आपके ऊपर है। हाँ, वो फ्रूट के प्राइस के हिसाब से लगेगी। हाँ, इसके अलावा ये नारियल भी आना शुरू हो गया। अच्छा, नारियल के क्या माशाल्लाह, नारियल जबरदस्त नारियल है, बड़े वाला नारियल 350, बड़े काफी साइज। हाँ, इसके जो है बड़े हैं, यानी 350 रुपए का दाना VIP नारियल, बिल्कुल VIP। अच्छा, इसमें पानी और मलाई होगी? ये पानी वाला भी होता है और मलाई वाला भी होता है। अच्छा हाँ, मलाई वाला अलग से होता है और पानी वाला भी होता है इसमें। हाँ तो ये बहुत जायकेदार। इसका फायदा बताएं, इसका फायदा क्या है? पानी और मलाई क्यों, यानी कि लोग मलाई ये तो निकल जाते हैं मलाई वाला, और ये तो असल में पानी होता है इसमें। अच्छा, कहते हैं कि जिसके मुंह में छाले वगैरह हो जाएं जो गर्मी से, तो उसका पानी पिए तो वो भी जो है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है माशाल्लाह। नारियल ये हमारे पास आया भी अच्छा है, VIP नारियल आया, और नारियल का तो बहुत फ़ायदे है सर। सही है। अच्छा, ये केले क्या दर्जन चल रहे हैं? केला हमारे पास सर जी छोटा साइज का 150 रुपए दर्जन है, ये बड़े साइज का हमारे पास 200 रुपए का दर्जन है इस टाइम, जो शॉर्ट टाइम है। अच्छा हाँ, इस टाइम हमारे पास 200 रुपए। शहद क्या आपके? शहद हमारे पास ये आते हैं वो चतराल से और स्वाद से। खालिस है? खालिस है, खालिस शहद है, ये ज़बरदस्त शहद है, बिल्कुल सुचा शहद है। अच्छा हाँ, ये डायरेक्ट उधर से एक आदमी भेज देते हैं ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त शहद आते हैं। ठीक है ना, ये आलूचा है। आलूचा भाई ये फ्लम, फ्लम के नाम से कहलाते हैं। आलूचा है लेकिन फ्लम होता है। अच्छा फ्लम। हाँ सही। और ये क्या है? ये बहीपाल है। बहीपाल? हाँ, इसका भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो जानते हैं ना, क्वेस के नाम से जो सर्च करते हैं। कहाँ का है ये फ्रूट? ये बहीपाल, ये अपना उगते हैं अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे फल अभी अपना उगते हैं। ये बहीपाल ये क्वाटे से आते हैं। क्या किलो मिलता है ये? किलो 500 रुपए का है। अच्छा 500। हाँ लेकिन तो क्या किसी खास मसले वसले के नहीं है, मतलब ये बीमार? असल में जो है ना, लोग डॉक्टर लोग कहते हैं ये दिल के ताकत के लिए होते हैं अच्छे। हाँ और भी बहुत सारे फायदे हैं इनके। सही। हाँ अच्छा फल है माशाल्लाह। ये गर्मा है? गर्मा। हाँ इसके क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल? 100 प्राइस तो इसका अब चल रहा है, 250 रुपये। 250 रुपये। हाँ। प्राइस है भाई ये, इसके देखना है 250 रुपये, क्योंकि ये भी एंड जा रहे हैं अभी, शार्ट है ना, ये शार्ट आइटम का थोड़ा रेट तो बढ़ जाता है वो। हाँ, बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले ये हम चलाते थे 200, 180, 150 तक का चलाते थे। हाँ। लेकिन अभी ये बहुत महंगा हो गया, तो महंगा। हाँ जा रहा है, सीजन इसका जा रहा है ना। ये प्राइस भी हमने मुनासिब लगाए, 300 रुपए किलो है। हाँ। और अमलूक भी माशाल्लाह अच्छा अमलूक का भी आ रहा है। अच्छा। अमलूक बहुत ज़बरदस्त। जो सीज़न से हटके भी बहुत से लोगों को जो बीमार होते हैं या कुछ होता है वो फ्रूट चाहिए होते हैं, तो वो सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं क्या? हाँ हाँ सब होते हैं, जैसा पूरे 12 महीने होते हैं। पूरा 12 महीने होते हैं। हम आड़ू भी रखते हैं, जैसे कि ये मीठा है, मीठा
बुखार वगैरह के लिए जो है ना, डेंगू के लिए ये लोग लेकर जाते हैं, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है। और बाकी बहुत सारे फ्रूट हमारे पास माशाल्लाह फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, हमारे पास फ्रोज़न भी रखा हुआ है। जैसे कि अभी हमारे पास पेशावर वाला चौंसा हमने फ्रोज़न किया हुआ है, जो मांगते जूस के लिए वो भी दे देते, बहुत सारे लोग वो लेकर जाते। हाँ, पेशावर का चौंसा है फ्रोज़न का, फ्रेश किया हुआ है, तो मेहमान वगैरह आ जाते हैं, गाहक फिर आ जाते हैं जूस के लिए, वो खसूसी तौर पर लेकर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया हमें और आपने जो है मिनी मंडी का जो है हमें विज़िट करवाया, और लोग देखें तो देखते हैं आते हैं और उसको थोड़ा मुनासिब रेट आप कर लीजिएगा जो भी हो। ठीक है सर, तो आपका भी बड़ा मेहरबानी, आपने हमारे को टाइम दिया और हमारे से रेट वगैरह का पूछ लिया, लोगों को और भी इतमाद पक्का हो जाएगा, क्योंकि सबको ये रेट दिखा हुआ है, कार्ड लगे हुए सब पे प्राइस लगे हुए, और माशाल्लाह से जो है ना हमारा रेट भी मुनासिब है और माल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा माल देते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा जो है ना ऑनलाइन कारोबार अभी बढ़ गया, लोग मुतमईन हो गया इससे, क्योंकि वो अभी घर बैठे माल मंगवा देते हैं। अच्छा। हम चीज़ अच्छा, भी अच्छा ऑनलाइन का मुझे बताएं कि आपके ऑनलाइन का सेटअप क्या है। ऑनलाइन का सेटअप तो सर जी हमने बनाया हुआ है ऑनलाइन का, वो बस ऑनलाइन कॉल करते थे, हम डिलीवरी के हिसाब से उनको पहुंचा देते, वो हम दे देते हैं कार्ड पे चढ़ाए हुए कार्ड दे देते हैं, फिर उसी हिसाब से वो, जैसा कि ये वीडियो अभी बनाया इसका, इसके ऊपर भी आ जाएगा नंबर, हम दे देंगे। टाइमिंग वगैरह क्या है आपकी? टाइमिंग हमारा है सर जी सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक। 2 बजे? 7 डेज, 7 दिन होते हैं? हाँ बिल्कुल, 7 दिन होते हैं, इतवार भी खुला, इतवार भी माशाल्लाह बहुत ग्राहक आते हैं, और जुम्मे भी खुला होते हैं, और बाकी सारा दिन ये खुले होते हैं। हाँ, हफ्ते 7 दिन ये खुला होते हैं बिल्कुल। अच्छा, पूरे कराची में आप है ना सर्विस अवेलेबल? पूरा कराची में ये हम डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई लिमिट है कोई, कितने किलो भाई, 5 किलो या 3 किलो फ्रूट होगा तो हम भेजेंगे, या जितना 1 किलो भी होगा तो भेज देंगे आप? हाँ, 1 किलो भी भेज देते हैं, या जैसे कि बाइकिया वालों को जो चार्जेज होंगे वो आपको ही देने हैं। ये मनीर इलाका है, मनीर तक डिलीवरी हो सकते हैं। हाँ, ये इधर तक डिलीवर, जैसा कि फिर ज़्यादा फ्रूट हो या पैकिंग के हिसाब से हो तो फिर वो हम दूर भी भेज सकते हैं, डिलीवरी के हिसाब से हो जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बहुत गुलाब साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया। अच्छा जी, ये इसकी आपको लोकेशन भादराबाद की मैं दिखा रहा हूँ, सियालकोट मिल्क सेंटर एंड मिल्क शेक, और इस्माइल नैनीताल वाला चौरंगी के बिल्कुल जो है, ये देखें जी, ये सामने जो है मिनी मंडी, आला क्वालिटी के फल फ्रूट सब्ज़ियाँ और ड्राई फ्रूट शहद वगैरह जो है अवेलेबल है इनके पास, इनसे जो है आप आके कॉन्टेक्ट करके जो है आप आ सकते हैं, और सारी डिटेल भी कॉन्टेक्ट नंबर पे ले सकते हैं। इसके साथ ही जो है मिनी मंडी से जो है मुझे इजाज़त दीजिए, आज हमने आपको सारी डिटेल इनके फ्रूट्स की जो है लेके दी, क्या क्या फ्रूट्स इनके पास अवेलेबल हैं, जो फ्रूट मंडी में अवेलेबल भी नहीं होते 12 महीने जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिसको भी जिस फ्रूट की ज़रूरत हो मुनासिब रेट पर जो है यहाँ से आके जो है परचेज़ कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अल्लाह हाफिज़।